हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स जो हमने डिस्कस किया था इसके अगले लेक्चर में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एम क्रॉस एन, एम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम है, वो सब हमने डिस्कस किया है। इसके बाद आपने 3.1 ट्राई किया होगा। अब ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, इसमें मेन दो एक एडिशन की बात करेंगे हम, दो मैट्रिक्स का एडिशन। तो पहले ये हमको ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब कर सकते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे एम क्रॉस एन है। दूसरा एक मैट्रिक्स बी है, बी आई जे पी क्रॉस क्यू है। यानी ये मैट्रिक्स जो ए है वो एम क्रॉस एन है, एम बाय एन, और ये मैट्रिक्स बी है वो पी बाय क्यू। अब ये दोनों का एडिशन करना है, कोई भी मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। यानी एम इक्वल टू बी एंड एन इक्वल टू क्यू। तो सपोज ये मैट्रिक्स 2x3 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 2x3 मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए 3x2 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 3x2। ये 4x3 है तो ये भी 4x3। ये इसकी कंडीशन है। यदि ये मैट्रिक्स ए 4x2 है और ये 4x3 है तो इसका एडिशन नहीं होगा। तो एडिशन करने के लिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स की इक्वल होती है। अब एडिशन कैसे करते हैं, तो मैं इस मैट्रिक्स क्या लिखता हूं, ए टू थ्री वन फाइव माइनस टू फोर, ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, कितने रो है, दो, कॉलम कितने हैं, तीन। यानी ये मैट्रिक्स हुआ 2x3 और डी 5, 2, 4, 6, 3, -1। ये मैट्रिक्स कौन सा हुआ, रो 2 है कॉलम 3 है, ये रो है ये कॉलम है। तो ये भी 2x3 है और ये भी 2x3 है तो एडिशन हो सकता है। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी करना चाहिए 2, 3, 1, 5, -2, 4 प्लस 5, 2, 4, 6, 3, -1। तो ये 2 प्लस 5, 7, 3 प्लस 2, 5, 1 प्लस 4, 5, 5 प्लस 6, 11,
माइनस टू प्लस थ्री वन, फोर माइनस वन थ्री, ये एडिशन हो गया, ये प्लस भी हो गया। कोई भी मैट्रिक्स को यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ, तो ये टू ए करना होगा, तो ए के हर एक एलिमेंट को टू से मल्टीप्लाई करना, तो टू टू द फोर, थ्री टू द सिक्स, टू वन द टू, फाइव टू द टेन, माइनस फोर एट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ। माइनस थ्री ए करना है, माइनस थ्री, तो माइनस सिक्स, माइनस नाइन, माइनस थ्री, माइनस फिफ्टीन, सिक्स, माइनस ट्वेल्व, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स मल्टीप्लाई जीरो, माइनस नाइन, माइनस थ्री, माइनस फिफ्टीन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सिक्स, माइनस ट्वेल्व। फिर मैट्रिक्स ए को मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया। यदि आपको बोला कि यही मैट्रिक्स में क्या आपको बोला कि ये एंट्री करना है, मैट्रिक्स ए है फोर टू थ्री वन सिक्स माइनस वन, चलिए मैट्रिक्स बी है सिक्स थ्री माइनस टू टू थ्री जीरो, ये मैट्रिक्स कौन सा हुआ थ्री बाय टू, और ये भी थ्री बाय, और आपको बोला कि फाइंड ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी, तो ए प्लस टू बी इक्वल टू ये फोर टू थ्री वन सिक्स माइनस वन प्लस टू बी एंड सिक्स थ्री माइनस टू टू थ्री जीरो। अब इस कर्व के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फोर टू थ्री वन सिक्स माइनस वन प्लस ट्वेल्व सिक्स माइनस फोर फोर सिक्स जीरो। अब ये दो मैट्रिक्स क्या करना हमको एडिशन करना है, तो कितना होगा फर्स्ट फर्स्ट 12 प्लस 4 16, 6 प्लस 2 8, 3 माइनस 4 माइनस 1, 1 प्लस 4 5, 6 प्लस 8 12, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1। ये हमको क्या मिला, कौन सा नया मैट्रिक्स मिला, दो मैट्रिक्स के एडिशन से मैट्रिक्स ही मिलेगा, ये नया मैट्रिक्स कौन सा मिला, ये वाला ए प्लस टू बी फाइंड किया। ऐसा हो रहा है कि है ए माइनस थ्री बी फाइंड करो, वन टाइम ऑफ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, जैसे इसको हम एडिशन करते थे तो इसमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर माइनस से को मल्टीप्लाई स्क्वायर से लिख सकता हूं ए प्लस माइनस थ्री बी, ये एडिशन हो रहा है, तो ए लिखकर दोनों तरफ बैटरी यूज कर सकते हैं, ए फोर टू थ्री वन सिक्स माइनस वन प्लस, अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस थ्री से तो माइनस एटीन, माइनस नाइन,
माइनस से माइनस माइनस प्लस से माइनस से माइनस नाइन जीरो। क्या किया हमने, ये मैट्रिक्स बी को माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डायरेक्ट एडिशन करते हैं तो 4 माइनस 18 माइनस 14, 2 माइनस 9 माइनस 7, 3 प्लस 6 9, 1 माइनस 6 माइनस 5, 6 माइनस 9 माइनस 3, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 5। क्या मिला, a माइनस। यदि आपने डायरेक्ट नहीं किया होगा ए माइनस बी, यानी मैट्रिक्स ए नहीं किया, 4 2 3 1 6 माइनस 1, ये माइनस साइन माइनस ही रखता है बराबर। या तो माइनस रखता हो तो बी को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो क्या आ जाएगा 18 9 माइनस 6 90। अब क्या करना है डायरेक्टली, 4 माइनस 18, 4 माइनस 18 कितना हुआ माइनस 14, 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 कितना हुआ माइनस 7, 3 माइनस माइनस 6, यानी माइनस 9 क्या हो जाएगा प्लस, 3 प्लस 6 9, 1 माइनस 6 तो माइनस 5, 6 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 माइनस 0 माइनस 1, 6 ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। इसमें मैंने पहले क्या किया, फिर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, और इसमें क्या किया माइनस फिर से मल्टीप्लाई करके एडिशन किया, मीनिंग दोनों का सेम ही है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बोला कि ए एंड बी 3/2 मैट्रिक्स है, 3x एक एच मैट्रिक्स है, प्लस ए इक्वल टू 2b, एक्स क्या है फाइंड मैट्रिक्स एक्स, और एक्स कौन सा है 3/2, क्योंकि इसके जितने नंबर को एन कॉलम है उतना इसका होना चाहिए, तीनों का ही करो, या तो जितने मैट्रिक्स होता है 3, एक मैट्रिक्स एक्स एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी। अब आपको फाइन बनकर मैट्रिक्स करना है एक्स, तो पहले से भी वही लगाओ 3x इक्वल टू 2b माइनस ए, तो मैट्रिक्स x इक्वल टू 1/3 2b माइनस ए। तो पहले हम 2b प्राइम करेंगे, इसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो आंसर आएगा इसको 1/3 से डिवाइड करेंगे। पहले मैं 2b माइनस ए प्राइम कर देता हूँ, 2b माइनस ए, तो 2b माइनस ए डायरेक्टली मैं बी को दूसरे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर इसका नहीं होना, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देता हूँ 2b एंड 12 6 माइनस 4 6 0 माइनस ही रखता हूँ और डायरेक्टली ए 4 2 3 1 6 माइनस 1, तो 12 माइनस 4 कितना होगा
6 minus 2, 4, minus 4, minus 3, minus 7, 4 minus 1, 3, 6 minus 6, 0, 6, 0 minus, minus 4, and minus 1 क्या हो जाएगा? Plus, 0 plus 1 कितना होगा? 1, ये क्या मिला? 2b minus, हमको find क्या करना था? x find करना था, x क्या है? 2b minus a का जो आंसर है, इसको 3 से divide करना है, otherwise 1 by 3 से multiply करना है, तो x equal to 1 by 3, 2b minus a, 8, 4, minus 7, 3, 0, 1, and f equal to 2b minus a by 3 दिया, आप 1 by 3 दिया, अब हर एक एलिमेंट को मैं 3 से डिवाइड करूं, यानी स्केलर से 1 by 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 by 3, 4 by 3, minus 7 by 3, 3 by 3 1 हो जाएगा, 0 by 3 0, 1 by 3, तो मैट्रिक्स F 3 by 2 है और ये मीटर है, चाहते हम फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो पहले फर्स्ट रो है कम्युनिटी, कौन सा रो? कम्युनिटी, कम्युनिटी रो यानी आप a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, मैट्रिक्स a और b का एडिशन करो, यानी पहले a लिखो फिर बाद में b लिखो, एडिशन करो फिर उसके बाद b प्लस a करो, सेम ही आंसर रहेगा, कॉमन लेते हो। सेकंड है एसोसिएशन, a प्लस b प्लस c, मैंने यहाँ पर पहले किसका एडिशन किया? a प्लस b, इसका जो आंसर आए उसमें कौन सा मल्टीप्लाई करना है? c इक्वल टू a प्लस b प्लस c, तब मैं ध्यान रखना है कि एडिशन पहले बताया कि एडिशन कब होगा दो मैट्रिक्स का, तो जो दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए वो तो रूल है, इसलिए आप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, कौन सा हुआ? एसोसिएशन हुआ। अब एडिटिव इनवर्स, जब पहले ले लेते एडिटिव एडिटिव, नॉर्मल हम एडिशन में बात करते हैं तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन, एडिशन के लिए जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी थ्री प्लस जीरो करता हूं थ्री रहेगा, 5 प्लस 0, 5, ये हम जानते हैं पहले कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके लिए? एडिशन के लिए, तो सेम है यहाँ पे मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एडिशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होगा, तो 0 मैट्रिक्स है कौन सा, इसको मैं O लिखता हूँ, कि 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स हुआ, कौन सा हुआ? 2 बाय 3, तो जीरो मैट्रिक्स जो है
वो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि जीरो मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स में आप ऐड करो तो वही मैट्रिक्स वापस आएगा, इसलिए गाड़ी नहीं बोलते हैं। कैड करने से कोई अलग आंसर नहीं आएगा। तो यहां पर मैं मैट्रिक्स लिखता हूं ए प्लस एक मैट्रिक्स ऐड करता हूं जीरो, तो मैट्रिक्स ए मैंने लिया 2 1 1 4। जीरो मैट्रिक्स क्या हुआ? जीरो 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 जीरो। अब क्या आएगा? वही सब वापस आएगा, यानी ए मिला। तो जीरो जो है, जीरो मैट्रिक्स वो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मल्टीप्लिकेशन लिए अलग है, जो वन से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी था जो वो ऑपरेशन अलग है। कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का है, और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? एडिशन का है। तो जीरो मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी। अब मैं एडिटिव इनवर्स की बात करता हूं, तो देखो 3 प्लस कितना नंबर आंसर जीरो आएगा, 5 प्लस कितना नंबर आंसर जीरो आएगा, 6 प्लस कितना नंबर आंसर जीरो आएगा। आपको मालूम है कि वापस वो आएगा एलिमेंट वापस कब आएगा? फिर मैं कितना में ऐड करता हूं तो यानी कि ये माइनस 3 आएगा, ये -5 आएगा, -6 आएगा। तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -6। 5 का एडिटिव इनवर्स -5, या -5 का एडिटिव इनवर्स 5, -6 का एडिटिव इनवर्स 6। ये हम जानते हैं रियल नंबर है। तो इसमें भी एडिटिव इनवर्स यानी जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स है ए, तो मैंने मैट्रिक्स ए लिखा 2 1 1 4। अब मैट्रिक्स ए में कौन सा मैट्रिक्स में ऐड करूं जिससे आंसर जीरो मैट्रिक्स आएगा? कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। तो माइनस ए कर देता हूं मैं, तो माइनस ए कौन सा होगा? -2 -1 -1 -4। अब इन दोनों का मैं एडिशन करता हूं तो जीरो मैट्रिक्स वापस आएगा। इन शॉर्ट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 2 1 1 4 प्लस -2 -1 -4 -4। आंसर क्या आएगा? 0 0 0 0 0, जीरो मैट्रिक्स आया। यानी माइनस के एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी है, तो -3 एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो एडिशन कैसे करना हो आपको मालूम। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो कॉमोडिटी लो, एसोसिएशन लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है? जीरो मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स कौन सा हुआ? तो ए का इनवर्स मैट्रिक्स -1, सिकम इनवर्स एल की इनवर्स मैट्रिक्स -3, ये हुआ। एडिशन बहुत इजी है। अब इसके बाद दूसरा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अभी जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया था वो स्केलर का मैट्रिक्स के साथ, यानी 3 के, ये बात नहीं है।
फाइव भी दिया तो मैट्रिक से स्केलर है बराबर। हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको यहाँ पे यहाँ एडिशन तक जो इलस्ट्रेशन है बुक में वो आपको देखना है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे करते हैं, इसकी कंडीशन क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम 3.2 एक्सरसाइज हो जाएंगे। थैंक यू।